राधे राधे, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। कल तक हमने कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 11वें अध्याय का श्रवण किया था। आज हम 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे, और उससे पहले मैं आपके साथ एक खुशखबरी भी साझा करना चाहता हूँ। श्री बांके बिहारी जी यूट्यूब चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा एवं आप सबके प्रेम और सहयोग से यह संभव हुआ है, और ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे ही उनकी कृपा बरसती रहे। साथ ही आप सभी से भी यह विनती है कि आप अपना प्रेम ऐसे ही बरसाए रखना और आगे भी शेयर करना, ताकि जो हमारा परिवार है ये 10,000 से आगे 1,00,000 तक भी पहुँचे और ठाकुर जी कृपा बरसती रहे हम पे। अब 12वें अध्याय का श्रवण करने से पहले हम ठाकुर जी का प्रतिदिन की भांति ध्यान करेंगे, यमुना जी का दर्शन करेंगे, तुलसा महारानी का दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी की मंगल चौखट पे माथा टेकते हैं। नमः कुंज बिहारिणी, नमः कुंज बिहारिणी, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे होई। वृंदावन बानिक बनो भ्रमर करें गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। वृंदावन की जो भूमि है माधुर्य की भूमि है, यहाँ भगवान भगत के वश में है, और श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं वो भी यही संदेश देती हैं कि कैसे कृष्ण जी विश्व को पालन करता ब्रज में बनाई दियो माखन चोर, जो पूरे विश्व को पालने वाला है, जिसके इशारे पे पूरा विश्व चलता है, कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता उनकी मर्जी के बिना, लेकिन वो स्वयं यहाँ गोपियों के वश में है। और उसी से संबंधित मैं आज आपको एक पहले सवैया सुनाऊंगा, उसके बाद हम कार्तिक मास की कथा आरंभ करेंगे। शेष महेश गणेश दिनेश सुर सेहु जाहि निरंतर ध्यावे। बहुत ध्यान से सुनना, शेष शेषनाग जी जो है, महेश शंकर जी, गणेश गणेश जी, और दिनेश सूर्यदेव, और जितने भी देवता है सब उनका निरंतर ध्यान करते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुर सेहु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सो वेद बतावे। और वेद क्या बता रहे हैं कि ये तो अनंत है, ये अखंड है, अनादि है, इनका कोई पार नहीं पा सकता। नारद से सुख व्यास रटे पचे हारे तहु पुनि पार न पावे। नारद जी सुखदेव जी व्यास जी सब उनकी महिमा रटते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं, लेकिन कोई भी उनका पार नहीं पा पाता है। ताही अहीर की छो हरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। आह, उन्हीं ठाकुर को गोपियां, अहीर की जो छोरियां हैं, ब्रज की जो गोपियां हैं, छछियावर छाछ पे, छाछ भी कितनी बस थोड़ी सी, उस छाछ के लालच में ही नचा देती हैं। ठाकुर जी उस छाछ के लालच में नाच करते हैं गोपियों के आगे कि पहले तू नाच के देखा, तब मैं तो माखन दूंगी, तब मैं छाछ दूंगी। तो ऐसी हमारी ब्रज की लीलाएं, मैं पूरा सवैया पुनः एक बार सुना देता हूं। शेष मनेश शेष महेश गणेश दिनेश सुर सेहु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचे हारे तउ पुनि पार न पावे, और ताई अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचा में। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय।
अब श्री यमुना जी के भी दर्शन करें कि वृंदावन धाम को वास भलो जहां पास बहे यमुना पट रानी जो जन नहाय के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिन को रज धानी। देखिए जो हम कार्तिक मास की कथा सुन रहे हैं इसमें भी कथा का सार यही है कि कैसे बैकुंठ की प्राप्ति हो और वृंदावन धाम को वास वालो जो वृंदावन धाम का वास है और यमुना जी के जो दर्शन है यमुना जी में स्नान करते ही बैकुंठ मिले तिनको रजधानी तो बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। और अब तुलसा जी के भी दर्शन करें बोलिए श्री तुलसा महारानी की जय 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 श्री राधे। अब हम 12वें अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री नारद जी ने कहा तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वह बैकुंठ में भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीनवाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा देवताओं तुम भय को त्याग दो युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुण पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भराया और उन्होंने कहा हे नाथ यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूं और आपकी भक्त हूं तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए आप कैसे उसका वध कर सकते हैं जलंधर मेरा भाई है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा परंतु युद्ध में तो मैं अवश्य जाऊंगा क्योंकि देवताओं ने मेरी बहुत बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र युद्ध के उस स्थान पर जहां पर पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंह नाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुण के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहां से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की समाप्ति की द्योतक है। ये 12वां अध्याय था। कल 13वां अध्याय का श्रवण करेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। और आप ऐसे ही अपना प्रेम बरसाए रखो और ठाकुर जी की कृपा से हमारा चैनल और भी आगे बढ़े। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक किया करें शेयर किया करें और अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर लिखा करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।